शंखं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनं मौलिमम्बोज्जनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं। नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज चरक जयंती एवं जो महाराष्ट्र में हम लोग नागपंचमी मनाते हैं, एक्चुअली आज हमारे लिए तो आयुर्वेद के हिसाब से अगर देखा जाए तो चरक जयंती एवं आचार्य चरक हमारे जीवन में अनन्य साधारण ऐसा महत्व है। और आचार्य चरक के बारे में जैसे आप सभी को भी पता है, चरक संहिता हमने सेकंड ईयर में थर्ड ईयर में पढ़ी है, बट फिर भी उसका क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है, किस प्रकार से हम लोगों को आचार्य चरक जैसे चरक अस्तु चिकित्सते, या आप ये हम लोग बार बार पढ़ते हैं, हमने सुना है, बट इसको क्लिनिकली कैसे अप्लाई किया जाए। जैसे अगर आप चरक संहिता, जैसे हमारे आयुर्वेद के प्लेटफॉर्म पर भी चरक संहिता का पाठ होता था, होता है, हम लोग अलग अलग प्रकार की संहिताओं को पढ़ते हैं, तो यही उद्देश्य रहता है कि जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे जीवन में, प्रैक्टिस में, जैसे स्टूडेंट लाइफ में तो संहिताओं को लेकर हमारी रुचि ज्यादा नहीं होती है, बट जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं ना, हमारी रुचि बढ़ती है और हम लोगों का नजरिया बदल जाता है। तो इसी को लेकर हमने पिछले साल भी चरक संहिता का एक उत्सव मनाया था, जिसमें हमने अलग अलग स्थान के बारे में वहां पर विश्लेषण किया था। आज भी हम लोग कुछ इसी प्रकार से प्रयास करेंगे कि क्लिनिकली हम लोग इसको कैसे देख सकते हैं। तो आप सभी का स्वागत है। वैद्य मितुषी, डॉक्टर उषा जी, अरुणा जी, डॉक्टर विकास, डॉक्टर अलका जी, आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर सपना, डॉक्टर विकास सर, नमस्कार। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर, आप कहाँ से हैं सर, बताइए जरा। हम लोग आज आपके पास कोई केस डिस्कशन है, या जैसे हम लोगों ने आज प्लान किया था कि आचार्य चरक के जो 50 महाकषाय गण है, उस 50 महाकषाय गण को हम लोग पढ़े, स्टार्ट करें। मैडम मैं तो हाँ बताइए सर, बताइए। मैं बरेली से हूँ और अभी मैंने नई नई प्रैक्टिस स्टार्ट करी है। शुरुआत में मैं एक साल से आपका चैनल यूट्यूब पे देख रहा हूँ और अभी मैंने आज ही पहले इसी मंथ ज्वाइन करा है। तो पहले तो मैं ये देखना चाहूंगा वहां पे आप लोग कैसे शुरू कर रहे हैं, उसके बाद कुछ दिन बाद मैं कुछ जरूर केस देखूंगा आपको, मतलब पूछूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल ओके। जैसे हमारा डेली एक टॉपिक रहता है और उस टॉपिक पर हम लोग पहले थोड़ा सा उसके बारे में समझाते हैं, जैसे कि फाइब्रॉइड की बात है तो फाइब्रॉइड क्या है, और फिर आगे चलकर हम लोग वहाँ पे कुछ ट्रीटमेंट प्लान्स बताते हैं, और जो भी सारे हमारे ग्रुप से जुड़े वैद्य होते हैं उनके जो भी केसेस होते हैं उसको यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं, और फिर उसका फीडबैक या फॉलोअप भी चलता रहता है। तो इस प्रकार से ये हमारा सत्र चलता रहता है। तो आज तो चरक जयंती का जो उत्सव है इसको लेकर हमने यहाँ पे प्लान किया है, बट इसमें भी हम लोग क्लिनिकल ही ज्यादा से ज्यादा बताने का प्रयास करेंगे, और इसको हम लोग स्त्री रोग के साथ, आयुर्वेद स्त्री रोग के साथ इसको जरूर हम लोग जोड़ेंगे। तो वैद्य केतकी और वैद्य मितुषी हमारे साथ है, जो चरक संहिता या चरक जयंती के विशेष पर, इस पर्व पर हमारे साथ कुछ अपना यहाँ पर उद्बोधन भी रखेगी। यस प्लीज केतकी एंड मितुषी प्लीज स्टार्ट करिए, हम लोग फिर डिस्कशन भी होता रहेगा उसमें, जैसे हमने 50 महाकषाय को लेकर प्लान किया है। मैम शेयर स्क्रीन कर। हाँ हाँ यस यस करिए ना, करिए, आप कर सकते हैं, करिए। मिनट में पोस्ट बना देती हूँ। हाँ प्लीज
केतकी, आर यू देयर डॉक्टर केतकी? यस प्लीज स्टार्ट करिए नितुष. आर यू एबल टू शेयर? मैम को-होस्ट बनाई. हाँ बनाया तो है, बनाया तो है. बनाया है आपको को-होस्ट, यू कैन शेयर. मैम आई एम अनेबल टू शेयर. अभी करी, अभी करी. दोनों नंबर पे किया है. मैम इज इट विजिबल? यस यस, फुल स्क्रीन करिए उसको. फुल ओके. नेक्स्ट नेक्स्ट करिएगा. महाकषाय, जैसे आप सभी जानते हैं महाकषाय के बारे में, आप बताइए. ठीक है, सो आज हम महाकषाय के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे. जैसे कि हम सब जानते हैं कि चरक जी की बड़ी देन है आयुर्वेद को महाकषाय. तो जैसे कि हर एक महाकषाय में 10 द्रव्य होते हैं, ऐसे 50 महाकषाय बताए हैं. सो टोटल 500 ड्रग्स के बारे में आज हम जानेंगे. तो पहला महाकषाय जो चरक ने बताया है वो है जीवन या महाकषाय. जीवन यानी लाइफ. तो लाइफ के बारे में जैसे कि चरक आचार्य ने बताया है कि जीवन यानी क्या होता है, सत्व आत्मा और शरीर इन सब से जो नेक्स्ट जीवनी वाला स्लाइड में दिख रहा है. हाँ मैम स्क्रॉल करिए. मैम दिख रहा है? नहीं नहीं स्क्रॉल नहीं हो रहा है शायद. हाँ अभी अभी आया. यस यस अभी आया है. हाँ तो जीवन यानी क्या, शरीर इंद्रिय आत्मा और सत्व को मिला के जो होता है वो जीवन द्रव्य बताए हैं जीवन या महाकषाय में. जीवन या महाकषाय में ये जो 10 जानते ही है, लेकिन ये काम कह रहे हैं कहीं सालों पहले से ये चीज हमें बताई है. जैसे आज हम फार्माकोडायनामिक्स वगैरह का नाम देते हैं, तो इस मेडिसिन का कर्म क्या है कि वह गुरु है, शीत है, स्निग्ध है, मृदु है, इसके कारण यह जीवन या महाकषाय में आती है. इस मेडिसिन जो है वो 7 धातुओं पे काम करती है, ओज पे काम करती है. अब इसमें जो द्रव्य है जीवन ऋषभक मेधा महामेधा, ये हम जानते हैं कि बहुत सारे द्रव्य अभी हमें, लेकिन इसमें भी फिर चरक आचार्य ने आगे बताया है कि हम डेली रूटीन में भी जो यूज कर सकते हैं, जैसे कि वीट है, मिल्क प्रोडक्ट्स है, या तो ग्रेप्स है, ये भी जीवन या महाकषाय में काम आती है. यस मैम आप कुछ बताइए. यस यस बिल्कुल. देखिए अभी जीवनी की बात चल रही, तो मैं यहाँ पर गायनेकोलॉजी के दृष्टिकोण से बताना चाहूंगी, तो ये बड़ा विस्तृत विषय हो जाएगा. बट इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो जैसे हमने देखा अनार तो है, अमेनोरिया है, ओलिगोमेनोरिया है, या स्पॉटिंग है, या इनफर्टिलिटी की केसेस होती है. जहां पर भी हमें रसधातु का पोषण करने की जरूरत पड़ती है वहां पर बड़े अच्छे से हम लोग इन सभी जीवनीय द्रव्यों का प्रयोग कर सकते हैं. जैसे कि लीन पीसूडी है, या जैसे कि कुछ धातु क्षयजन्य जो भी व्याधियां है, स्त्री रोग चिकित्सा है, वात योनि व्यापद हो, या जहां पर भी हमें धातु क्षयजन्य अवस्थाएं दिखती है,
उन सभी में हम लोग जीवनी गण देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट तो मुझे लगता है जीवनी गण, जैसे गर्भिणी परिचर्या है, वहां पर हमेशा से डॉक्टर्स पूछते हैं सवाल की गर्भिणी परिचर्या का खास आयुर्वेद क्या है। तो आयुर्वेद में तो जीवनी गण के ही द्रव्य एवं क्षीर घृत और मक्खन यानी दूध के जो भी सारे पदार्थ है, दुग्ध द्रव्य जो भी है, उन सभी का सेवन करना ही मधुर शीत जीवनी एवं दूध का सेवन करना ही हमारे पूरे आचार्य चरक सुश्रुत वाम्भट अब किसी का भी मासानुमासिक अगर देखेंगे तो उसमें यही सारा आता है। तो जीवनीय गण हम लोग प्रसधातु एवं शुक्रधातु वृद्धि जहां पर भी स्पर्म काउंट कम है, लिबिडो है या इनफर्टिलिटी की समस्या में भी कई सारे ऐसे होते हैं ना कि जहां पर हमें कुछ पोषण करने की जरूरत होती है, तो मुझे लगता है हम लोग डेली कोई ना कोई जीवनीय गण का कल्प यूज करते ही है। और इसका क्षीरपा कल्पना के साथ प्रयोग करेंगे तो जहां पर भी अस्थि रोगों में जरूरत है वहां पर भी धातु वर्धन के लिए हम लोग इसका अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही एक अच्छा टॉपिक हो जाएगा कि इनफर्टिलिटी हो, धातु क्षयजन्य हो या कहीं पर भी हम लोग इसका बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। तो आप सभी से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसमें भी एड ऑन करना चाहते तो प्लीज करिएगा। डॉक्टर जयेश ठक्कर सर, डॉक्टर अलका जी, डॉक्टर केतकी प्लीज। सो हम लोग थोड़ा एक फास्ट रिव्यू हो जाएगा तो आई थिंक इसीलिए हमने इसको रखा कि जो हमारा एक शास्त्रोक्त संकल्प भी रहता है कि हम लोग संहिताओं को पढ़े, तो आज वही हमारा उद्देश्य है कि हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे तो जैसे डे टू डे प्रैक्टिस में हम लोग इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। प्लीज एनीवन फ्रॉम योर साइड कोई भी बोल सकता है, जैसे अभी मितोशी ने भी बताया कि ये ओजस्वी है, ओज बढ़ाने के लिए, धातु बढ़ाने के लिए हम लोग जीवनी गण का प्रयोग कहीं पर भी कर सकते हैं जहां पर भी आपको जरूरत होगी, और इसका क्षीरपा कल्पना के साथ प्रयोग करेंगे तो बेहतर रहेगा। नेक्स्ट ले लीजिएगा फिर मितुषी। अगला है ब्रूहणीय महाकषाय। अब ये भी बहुत बड़ा कॉमन है, हमें पता है कि ब्रूहण करने के लिए, लेकिन इसमें भी चरकाचार्य ने जो 10 द्रव्य बताए हैं ब्रूहणीय महाकषाय में, ये भी काफी इंटरेस्टिंग ड्रग्स है। अब इसमें भी हम देखेंगे जो शीरिनी और राजक शवक है वो अभी तो शायद मिलना मुश्किल है, लेकिन उसका ऑल्टरनेटिव में हम दूधी या तो जिसको भोपला बोलते हैं हम हिंदी मराठी में, ये यूज होता है। तीसरा अश्वगंधा है जो बहुत कॉमनली यूज होता है। काकोली भी बहुत कॉमनली यूज होता है, शीर काकोली मिलता नहीं है अभी। और जो छठा ड्रग है वात्यायनी, इसका शायद से एज अ सब्स्टिट्यूट इफ आई एम नॉट रॉन्ग इसका बला यूज करते हैं, जैसे कि बला अरिष्ट या तो घनवट्टी यूज करते हैं। बाद में जो भारद्वाज है उसको भी हम मराठी में जो रान काकूस बोलते हैं वो एज अ उसका सब्स्टिट्यूट यूज करते हैं। फिर नौवा है जो पयस्या, इसका भी ये अभी शायद मिलता नहीं है, इसीलिए विदारी कंद पयस्या के जगह पे हम ब्रूहणीय महाकषाय में यूज कर सकते हैं। और ऋष्यगंधा, उसके जगह पे भी हम ऋष्यगंधा या तो विदारी कंद यूज कर सकते हैं। तो ये जो भी ब्रूहणीय द्रव्य है ये खास करके मांस धातु पे काम करेंगे और ब्रूहण कार्य करेंगे। तो इसमें चरक आचार्य ने स्पेशल इंडिकेशन बताया है क्रॉनिक डिजीजेस में, जैसे कि मैम ने बोला कि हम गायनेक के रिलेटेड जाएंगे, तो जो भी क्रॉनिक डिजीजेस है गायनेक में योनि व्यापद के संबंध में या तो कैंसर बोलो, उसमें जहां पे भी वेट लॉस होगा इसमें ये ब्रूहणीय महाकषाय का काम आता है। अब जो डेली लाइफ में हम ब्रूहणीय महाकषाय के अंतर्गत यूज कर सकते हैं, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हो गए, डेट्स हो गए, कोकोनट हो गया, अश्वगंधा भी हमें बहुत डेली बेसिस में मिलता है, और आजकल जो लोग हाई प्रोटीन डाइट वगैरह जो भी बोलते हैं वो भी एक ब्रूहणीय महाकषाय में आता है, जैसे कि पल्सेस हो गए या तो प्रोटीन पाउडर है, वो सब भी ब्रूहणीय महाकषाय में आता है और वो मेनली माउस धातु पे काम करेगा। जी मैम, यस बिल्कुल करेक्ट आपने बताया। ये तो ब्रूहणम शरीर से जनयेत तत् ब्रूहणम, इस प्रकार से आचार्य चरक ब्रूहण की व्याख्या करते हैं और हमने अष्टांग संग्रह में भी लंघन ब्रूहणी अध्याय को पढ़ा है। बिल्कुल, तो ब्रूहण ये अपोजिट टू लंघन है, और जैसे मैंने अभी सभी बताया इंडिकेशन, इसी प्रकार से आजकल की एक बड़ी समस्या है, जैसे बहुत सारे केसेस भी आते हैं कि हम लोगों को ओवुलेशन को इंड्यूस करना है या फॉलिकल की साइज बढ़ती नहीं है या AMH लो है, तो इसमें हम लोग कैसे देखें, या फिर सुप्रजा निर्माण या प्री कंसेप्शन में भी आज कई सारे हमारे वैद्य पेशेंट्स भी बोलते हैं कि मुझे अच्छी प्रोजेनी चाहिए, अच्छा
एक बालक गर्भ अच्छा जैसे हम लोग कैसे डेवलप करेंगे, तो प्री कंसेप्शन के लिए भी मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगी जो भी सारे हैं ये सारे कंटेंट्स बहुत अच्छे से इसका रिजल्ट मिलेगा। अश्वगंधा या इस सभी के द्रव्यों के बारे में आप सभी जानते हैं, और बला का जैसे मितुषी ने बताया तो बला क्षीर, बला तेल, और बला तो मैं डेली किसी ना किसी पेशेंट में बला सिद्ध दूध जो है हम लोग बिल्कुल इंडिकेट करते ही है। तो मुझे लगता है कि जो फॉलिकल साइज या आजकल जो लो एग एग जो बनता है उस एग की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए भी ऐसे भी सारे जो भी रिलेटेड ऑप्शंस रहते हैं उन सभी में भी हम लोग इसका, और फिर वेट कम है, वेट बढ़ाना चाहते जो भी कोई लोग है तो ब्रूहन चिकित्सा तो स्पेशली मांस धातु के लिए ही है। बट इसके साथ जैसे हमने देखा कि मांस धातु का आश्रय से संबंध है कफदोष के साथ होता है, रस मांस मेद और कफदोष शुक्र धातु इन सभी का अपना एक कनेक्शन है जो कि हम लोग क्लिनिकली भी हम इसको बार बार देख चुके हैं, देखते भी हैं। तो ब्रूहणी कषाय की बात चल रही तो मुझे यहाँ पे जो हम लोग ये यूज करते हैं ना अवलेह यूज करते हैं, अवलेह के फॉर्म में या मुझे लगता है च्यवनप्राश में भी जीवनी ब्रूहणी द्रव्य जो भी है वो सभी च्यवनप्राश के कंटेंट्स के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। कुष्मांड अवलेह करके कल पाता है जो बच्चों से लेकर सभी प्रकार के आयु के लिए एक बहुत ही ओजस्वी तेजस्वी मेधा स्मृति बढ़ाने वाला है। तो मुझे लगता है मांस धातु के बारे में मसल टिश्यू के तीन प्रकार है, और मसल टिश्यू या मांस धातु हमारे चेहरे से लेकर शरीर के हर हिस्से में ये हमारा सारे जो भी लाइक हम लोग बोल रहे हैं या देर आर मेनी टाइप ऑफ मसल्स लाइक लाफिंग मसल्स आर देयर, क्राइंग मसल्स आर देयर। हमारे चेहरे पर की बात करेंगे तो अलग अलग प्रकार की पेशियां है जो भावनाओं को व्यक्त करती है, और बिल्कुल मांस धातु लेपन का काम करता है। तो बिल्कुल हमें जहां पर भी जरूरत होगी वहां पर हम लोग इसका यूज करेंगे। और जैसे आपने धातुक्षय की बात छेड़ी है या क्रॉनिक डिसीज में एड्स है और ट्यूबरक्यूलोसिस है जहां पर वेट लॉस बहुत जल्दी होता है, और पोस्ट कैंसर पेशेंट में कई बार हमें जो एक रिकवरी करनी होती है वहां पर भी धातु का जो रिजुनेशन करना होता है उसके लिए भी ब्रूहणीय गण का बहुत अच्छा प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। तो आप कोई भी इसमें ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज करिएगा, दिस इज ओपन टू ऑल। मैम लीन पीसीओडी में भी इसका यूज हम कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यस मैम बिल्कुल। मैम इसमें सारे सारे मिल जाते हैं इसके जो द्रव्य है? काफी काफी सारे मिल जाते हैं, काफी सारे मिल जाते हैं। जैसे अभी डॉक्टर ने, डॉक्टर मितुषे ने भी बताया एकाध अगर है तो वहां पे जैसे हमारे आचार्यों ने इसको ऑप्शन भी दे रखा है कि अगर ये नहीं मिलता है तो हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, बट ज्यादातर तो मिल ही जाते हैं। वैसे इसके ऑप्शन में भी दिया है, एक बार रिवाइज करिए ऑप्शन में जो दो द्रव्य नहीं बताए ना अपने मितुषी उसको रिवाइज करिए। जैसे कि शिरिनी और राजक शवक है उसके बदले में हम दूधी यूज कर सकते हैं बॉटल गार्ड, और बाकी काकोली वगैरह तो हमें मिलते हैं। दूसरा वात्यायनी के बदले हम बला यूज कर सकते हैं, और पयस्या जो है उसके बदले हम विदारिकंद यूज कर सकते हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छे सारे द्रव्य है, और जैसे मुझे याद है एक 15 साल पहले का जमाना जब दूधी की बात चल रही तो जब आचार्य रामदेव बाबा ने दूधी के महत्व को बताया था तो सभी सवेरे उठने के बाद दूधी का जूस और आज भी चल रहा है शायद लेते ही थे, और ये बहुत ही अच्छे गुणधर्म वाला भी है, विदारिकंद भी काफी अच्छा काम करता है शुक्र धातु का बल बढ़ाने के लिए। तो आई थिंक जैसे हमने बताया एक साइज है, फॉलिकल साइज है वगैरह सभी में हम लोग इसका अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट गण ले लीजिएगा। नेक्स्ट जी मैम, नेक्स्ट है लेखनीय, लेखनीय महाकषाय। लेखन मतलब स्क्रैपिंग करना, तो मेनली लेखनीय क्या करेगा जो सभी धातु में जो फ्लूइड भरा हुआ है उसे वो एब्जॉर्ब करेगा। ऐसे करेगा तो उसका जो लघु रुक्ष उष्ण तीक्ष्ण गुण है उससे वो एब्जॉर्ब करेगा। तो अभी उसके इंडिकेशन सभी ब्रूहणीय महाकषाय के अपोजिट बताए हैं, जैसे कि ओबेसिटी में या तो डायबिटीज में जो ओबेस पर्सन है, लिम्फेडिनोपैथी में हम यूज कर सकते हैं, ग्रंथि में यूज कर सकते हैं। अब लेखनीय महाकषाय में सभी द्रव्य अवेलेबल होते हैं, लेकिन जो मुस्ता है उसके बदले अभी हम नागरमोथा यूज करते हैं, और डेली लाइफ में तो हम मध यूज करते हैं, गुगुल है, बच्चा है, चित्रक है, ये सब यूज करते हैं। बिल्कुल, लेखन की बात चलती है तो जैसे ओबेसिटी की तरफ आपने इशारा किया तो मित धातु जहां पर भी विकृत रूप से बढ़ जाता है वहां पर हमें लेखन गुण की जरूरत है। हम लोग स्त्री रोग की बात करेंगे तो लेखन द्रव्य जहां पर भी कोई वातकफ जनित अवरोध है, जहां पर भी अवरोध है वहां पर हम लोग लेखन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आता है ओबेस पीसीओडी,
जैसे लीन पीसीओडी में हमने जीवनी भ्रूणी गण का उपयोग किया, यहाँ पर हम लोग जब ओबेज पीसीओडी की बात आती है तो जैसे ओबेज में मेद धातु बढ़ गया, तो मेद धातु एक बहुत ही चिपचिपाहट भरा और स्नेह युक्त ऐसा धातु है जो कि चिपक कर बैठ जाता है। उसको निकालने के लिए हमें कुछ स्क्रैपिंग प्रॉपर्टी वाला द्रव्य चाहिए जो कि सारे लेखनीय गण में है। तो इस पीसीओडी ओबेज पीसीओडी में फाइब्रॉइड है, जो भी सारे सिस्ट और फाइब्रॉइड, एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, एनी टाइप ऑफ ग्रोथ, व्हेनेवर देयर इज अ ग्रोथ वी कैन गो विद दिस ऑल लेखनीय द्रव्य। आप ब्लॉकेज में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पीसीओडी में हम लोग ट्रीटमेंट बताते हैं तो इंटरनल और बस्ती शोधन वगैरह, तो इसके साथ साथ हम लोगों को कुछ उद्वर्तन करना पड़ता है, तो इस उद्वर्तन के लिए भी आप मुस्ता, कुष्ठ, दारू हरिद्रा, हरिद्रा, वचा जैसे चूर्णों का उपयोग कर सकते हैं, जो कि वहां पर जो भी अधिक मात्रा में माउस धातु बड़ा है, माउस और मेद चिपक के बैठे हैं, उनको निकालने के लिए भी अच्छे से और वेट लॉस के लिए भी हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। तो ओबेसिटी रिलेटेड जो भी मेनोपॉजल इश्यूज होते हैं, मेनोपॉज में भी बहुत ज्यादा ओबेसिटी, अगर वेट गेन हो जाता है तो भी बहुत सारी दिक्कतें आती है, इसके साथ ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह लक्षण रहते, तो सबसे पहले तो डॉक्टर्स बताते हैं कि वेट लॉस करिएगा, मेद माउस धातु का प्रमाण कम करिएगा। तो इस प्रकार से हम लोग लेखन, जहां पर भी धातु का क्षय करना है उसमें हम लोग लेखन करेंगे। अतिरिक्त वृद्धि जहां पर भी है, ग्रोथ, एनी टाइप ऑफ ग्रोथ, एनलार्जमेंट रिगार्डिंग अवर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जहां पर भी हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। एनी एडिशन? केतकी आप बोल नहीं रही है, बताइए डॉक्टर केतकी, और कोई भी डॉक्टर, डॉक्टर सपना, अंजू, डॉक्टर जयेश सर, डॉक्टर विकास जी, आप भी इसमें एड ऑन करिएगा प्लीज, तो हमारा ये इंटरेक्शन सेशन रहता है। हेलो, यस यस, हाँ जी जी मैम, मैंने तो इसको यूज किया है, मेरे पास पेशेंट थी पोस्ट हिस्टेक्टमी की ओबेसिटी वाली, तो मैंने उसमें यूज किया था, तो इसके काफी अच्छे रिजल्ट है। जैसे शुरू शुरू में लेखनीय महाकषाय देखे थोड़ा, मतलब 1 or 2 months, उसके बाद मैंने उसको घृत पर डाला था। ओके ओके ओके, वैसे पेन की प्रॉब्लम थी, जैसे ओबीज भी थी वो, तो फिर मैंने बस्ती भी दी थी उसको, और ऊपर से मैंने उसको लेखनीय महाकषाय का काढ़ा दिया था यूज करने के लिए। डॉक्टर गौरी मैम, स्वागत है आपका, बताइए कुछ, डॉक्टर गौरी बोलकर। हाँ नमस्कार मैडम, मैंने पूरा सुना नहीं, सिर्फ इतना ही सुना कि लेखनीय गण और ये यूज किया था। हाँ लेखनीय गण का कहाँ पे यूज कर सकते, बताइए मैम कुछ क्लिनिकली आप भी। अच्छा लाइक या गुड इवनिंग मैडम, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अच्छा लगा भाई। हाँ बताइए। या एक्चुअली लेखनीय गण जो है ना, वो एक तो मेदोरेक में जरूर हम यूज कर ही सकते हैं, उसके अलावा बाकी जो जो कुछ भी मेद के विकृति के जो डिसीज रहेंगे तो उसमें तो जरूर उसका यूज होगा ही। जैसे कुष्ठ है उसमें भी लेखनीय गण का बहुत अच्छी तरीके से उपयोग हम कर सकते हैं। हालांकि पेशेंट नॉर्मल है यानी मेदोरोगी है भी नहीं, लेकिन उसमें दूष्य करके मेद रहता है बहुत समय, जैसे कि दरण अगर है कुष्ठ में तो उसमें दूष्य जो है वो मेद रहेगा, सो उसमें लेखनीय गण भी हम यूज कर सकते हैं। और भी एक बात है कि जिधर पीसीओडी के केसेस रहते हैं उसमें भी हम देखते हैं कि उसमें भी वेट गेन ज्यादा रहता है, और अगर लेखन किया जाता है तो ओविलेशन होने में भी मदद हो जाती है। लेखनीय गण जो है उसके जो द्रव्य है अलग अलग, सो उसमें से जो द्रव्य है उसका गामित्व जो है वो क्या बोल सकते हैं, ओवरीज की तरफ भी है, सो इसके लिए हम बहुत सारे पेशेंट्स में लेखनीय गण यूज करते हैं पीसीओडी जैसे अगर केसेस है तो उसमें। और भी कुछ बातें हैं कि जिसमें हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि लेख्य जो जो नेत्र रोग बताए गए हैं, चक्षुष तेजोमयम तस्य विशेषात श्लेष्मतो भयम ऐसे कहा गया है, सो कफ और मेद जो है दैट गो हैंड इन हैंड ऐसे कहा गया है, और क्लेद दोनों का दूष्य समान है, सो इसी के लिए जो अभिशंद है या फिर नेत्राभिशंद या फिर पोथकी, ये जो डिसीजेस है उसमें भी लेखनीय गण यूज किया जाता है। उधर अपतर्पण संप्राप्ति नहीं होनी चाहिए, संतर्पण जन्य अगर संप्राप्ति है, आंखों में सूजन आ रही है या फिर उसमें ज्यादा पानी आ रहा है, कभी कभी ब्लॉकेजेस रहते हैं उसके कारण भी टीयर ड्रॉप्स बाहर निकलते हैं, ऐसे केसेस में भी लेखनीय गण जो है वो पेट के अंदर लेने के लिए यानी चूर्ण फॉर्म में भी ले सकते हैं। और लेखनीय गण का सिद्ध जो तेल है वो अगर आई मसाज के लिए दिया जाता है,
तो उसके कारण अगर नेजोलैक्रिमल डक्ट में ब्लॉकेजेस है तो वो ब्लॉकेजेस भी दूर होने में मदद हो जाती है, ऐसा आज तक का अनुभव है। वेरी नाइस मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। यस, अभी चलिए नेक्स्ट चलते फिर भेदनीय गण की तरफ। मितुषी जी मैम, भेदनीय गण तो इसमें जो द्रव्य बताया है, इसमें जो एक सुबाहा है वो अभी अवेलेबल नहीं है, तो उसके बदले में हम अभी निशोत्तर जैसे त्रिवृत्त कहा जाता है वह यूज करते हैं। तीसरा जो बताया उरुबक, उरुबक भी अभी अवेलेबल ना होने के कारण एरंड हम यूज करते हैं एज अ भेदनीय द्रव्य। और अग्निमुखी जो है उसके बदले में भल्ला तक को यूज किया जाता है। और जो पांचवा बताया है चित्रा, उसके बदले में दंती मूल सब्स्टिट्यूट माना गया है। ये जो चित्रा द्रव्य है इसे हम चित्रक अगर अवेलेबल ना रहे तो भी हम यूज करते हैं। बाकी जो भी द्रव्य बताया है जैसे कि शकुलादिनी, उसके बदले में हम कुटकी यूज करते हैं। तो भेदनीय द्रव्य को सबको पता है कि लघु रुक्ष विशद तीक्ष्ण गुण के वजह से वह भेदन कार्य करता है, लेकिन गायनेकोलॉजिकल एस्पेक्ट से देखे तो जो हीरक भस्म है, हीरक भस्म को ब्रेस्ट और यूटराइन कैंसर में यूज किया जाता है एज अ भेदनीय द्रव्य। जी मैम आप बताइए आगे। यस यस बिल्कुल, भेदन यत द्रव्य बद्धम मलादिकम पिंडित ही पिंडी भूत मलर्बद्धम वा विद्वा विदार्य अध पात तत भेदना। यहाँ पे भेदन का अर्थ है मल का भेदन, अन्न का संघात भेदन, दोष का संघात भेदन। तो लाइक जहां पर भी भेदन, अभी भेदन का एक एग्जाम्पल अगर हमें देना है तो जहां पर भी कोई संघात बना है, दुष्ट रक्त का किसी के साथ संघात बन गया है, जैसे अभी मैडम ने भी बताया, आप सभी भी जानते हैं कि विकृत ग्रंथि है, अर्बुद है या मांस का संघात हो जाता है, तो उस संघात को तोड़ने के लिए हम लोग इस भेदन गुण वाले द्रव्यों का प्रयोग करते हैं। तो स्त्री रोगों की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि ऐसे कई सारे स्थितियां हैं, अर्बुद है या जहां पर भी वृद्धियां हैं, इन सभी वृद्धियों में भी हम लोग भेदन द्रव्य का प्रयोग करेंगे। और खास करके अश्मरी, जहां पर कि भेदन की बहुत ज्यादा जरूरत है, भेदन काम यानी जो एक प्रकार से विभाजन करेगा, तो उसका एक जैसे मतलब ये होता है कि छोटे छोटे कणों में उसको विभाजित करेगा और उसको फोड़ेगा तोड़ेगा, जो जो जैसे उत्तराश्मरी ने हमने देखा कि वहां पे कुछ जम जाता है। अश्मरी यानी घन यानी पाषाणवत, इसीलिए पाषाण भेद जैसे द्रवों का भी प्रयोग किया जाता है। तो वहां से उनको विभक्त करके या उसको टुकड़ों में बंटवा कर वो नीचे हमारे शरीर से उसको निकाल देने की क्षमता जिन द्रव्यों में है, ऐसे द्रव्यों को हम लोग भेदन द्रव्य कह सकते हैं। तो जहां पर भी कुछ ऐसे जमा है वहां पर हम लोग भेदन द्रव्यों का प्रयोग कर सकते हैं। आई थिंक गौरी जी हम लोग इसको ट्यूबल ब्लॉकेज में भी यूज कर सकते हैं, या लाइक फिमरल एंड ब्लॉकेज है तो जहां पर भी हमें कुछ ऐसे संप्राप्ति मिल जाती है, संघात भेद अति प्रवृत्ति संघ की संप्राप्ति है, तो संघ की संप्राप्ति जैसे अति प्रवृत्ति संगोवा सिराणाम ग्रंथियों भी, तो संघ या सिरा ग्रंथि जन्य संप्राप्ति जहां पर भी होगी वहां पर हम लोग इसको ले सकते हैं। या फिर जैसे रक्त की दुष्टि है, रक्त ग्रंथिभूत हो जाता है, क्लॉट बन जाते हैं, वहां पर भी हम लोग भेदन का उपयोग करेंगे। यस मैम, बताइए। चित्रक तो आप सभी जानते हैं, मुझे लगता है चित्रक तो आम का भी भेदन या आम का पाचन करने के लिए श्रेष्ठ द्रव्य है। अग्निमुखी भी और एरंड भी है इसमें, तो जैसे मल का भेदन करने के लिए तो एरंड सर्वश्रेष्ठ है। और ना केवल मल का भेदन बट ये वात का भी अभिबंध जो होता है मल के साथ, क्योंकि पुरुष वायु अस्थि एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, जहां पर भी आपकी वातदुष्टि होती है वहां पर पुरुष विकृति जरूर होगी और वहां पर अस्थि की कुछ विकृति के लक्षण भी हमें मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से भेदन का हम लोग इन सभी विकारों में उपयोग कर सकते हैं। यस मैम, उषा जी कुछ बताइए, और कोई डॉक्टर गौरी जी? और नमस्ते मैडम, भेदनीय द्रव्य जो है उसमें जैसे कि आपने कहा कि मल जो है उसका भेदन करना, ये तो बात उसमें इम्पोर्टेंट बहुत ही है। और इसी में एक केस में इधर जरूर बता चाहूंगी, जो ग्रंथि मल जैसे कह सकते हैं हम, ऐसे जो केसेस रहते हैं उसमें उसका ज्यादा करके परिणाम अच्छा देखने के लिए मिलता है। और ये बात है कि ये संप्राप्ति जो है वो अपान के क्षेत्र में है। तो जैसे आपने कहा तो अलग अलग जो स्त्री रोग जो है उसमें भी ये भेदनीय गण हम जरूर यूज करते हैं। स्पेसिफिकली जब भी ग्रंथि रज रहता है ना, तभी ये भेदनीय गण का भी बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है,
ये जरूर मैं इधर कहना चाहूंगी, ऐड करना चाहूंगी रादर, आपने बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन फिर भी जस्ट ऐड कर सकते हैं। ग्रंथिभूत रज्जा जो एक दृष्टि बताई गई ना, आर्तो दृष्टि भी ग्रंथिभूत दृष्टि भी है ना, तो आठ प्रकार की, तो उसमें हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। यस मैम, चलिए फिर नेक्स्ट ले लीजिएगा मितुषी, संधानीय गण। जी मैम, संधानीय गण, संधानीय गण मतलब दो चीजों को संधान करना, जो बेसिकली हम फ्रैक्चर वगैरह में यूज करते हैं। अभी संधानीय गण में जो मधुक है यानी कि जेष्ठी मध, और मधुपर्णी के बदले में अभी हम गुडुचि का यूज करते हैं। बाकी जो है अम्बष्टकी, अम्बष्टकी अभी अवेलेबल नहीं है, उसके बदले हम पाठा का यूज करते हैं। सुमंगा जो बताया गया है उसके बदले लाजालू का यूज करते हैं। और मोच दस तो हम सभी को पता है, शालमलिका नीलियास। बाकी जो धातकी है, लोद्र है, प्रियांगू है, वो सभी अभी अवेलेबल ड्रग्स है। संधानीय जो द्रव्य है वह गुरु शीत रुक्ष गुण के वजह से और कषाय रस है, इसलिए संधान कार्य करते हैं। मोस्टली अस्थि महाभूत पर, अस्थि धातु पर कार्य करेंगे। जो क्लेद बर होता है उसे एब्जॉर्ब करते हैं और मॉलिक्यूल्स को एक साथ लाने का कार्य पृथ्वी महाभूत के वजह से संधानीय द्रव्य करते हैं। हम यूज कर सकते हैं ये पिच्छा बस्ती जो कि हम अल्सरेटिव कोलाइटिस में देते हैं, उसमें भी मोचरस होता है, तो वह भी संधानीय कार्य का कार्य करता है। बिल्कुल, संधानीय गण तो बिल्कुल, आज तो आचार्य चरक जयंती महोत्सव हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट आप सभी जानते हैं आचार्य सुश्रुत के महत्व को, और आज भी बिल्कुल जैसे संधान गण की बात आती है तो आधुनिक शास्त्र के दृष्टिकोण से संधानीय गण को प्लास्टिक सर्जरी के रूप में माना गया है। तो जैसे हमें पता है कि अस्थि भग्न या जो भी फ्रैक्चर्स होते हैं माइनर टू मेजर, उसमें संधानीय गण का बहुत अच्छा रोल रहता है। तो केवल अस्थि या बोन फ्रैक्चर की जरूरत ऐसा नहीं है, बट हम लोग जैसे पृथ्वी महाभूत की जहां पर भी जरूरत है वहां पर भी हम लोग इन सभी द्रव्यों का प्रयोग कर सकते हैं। तो संधान यानी जोड़ने वाला, जहां पर भी आपको शरीर में कोई ऐसे व्याधियों के साथ यह करना पड़ता है ना, तो वहां पर हम लोग इन संधानीय गणों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अभी आपने इसकी बात की पिच्छा बस्ती, तो मुझे लगता है पिच्छा बस्ती या डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स या जो भी जहां पर भी अंडवस स्रोतस के विकार है, खास करके पिच्छा बस्ती का मुझे लाइक अतिसार रक्तातिसार जहां पर भी बहुत ज्यादा ऐसी स्थितियां है वहां पर हम लोग पिच्छा बस्ती दे सकते हैं। गृहिणी में भी पिच्छा बस्ती का बहुत अच्छा रोल रहता है, और अल्सरेटिव कोलाइटिस या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ऐसी स्थितियों में भी हम लोग पिच्छा बस्ती दे सकते हैं, जो कि मोच रस की दी जाती है, जो कि शीत कषाय और जोड़ने वाली होती है। तो जो भी पकवाशयगत तो हानि है, क्षति हुई है, इसको जोड़ने का काम ये पिच्छा बस्ती करती है। इसीलिए मुझे लगता है कि पिच्छा बस्ती का भी प्रयोग हम लोग काफी आयुर्वेद के जो भी चिकित्सक है काफी अच्छी मात्रा में करते हैं। तो संधान आयुर्वेद में इसको प्लास्टिक सर्जरी के रूप से भी आचार्य सुश्रुत ने बताया है। तो जहां पर भी आपको अस्थि जनित कुछ हानि है उसको भरकर लाना है, तो वहां पर आप संधानीय गण का प्रयोग कर सकते हैं। यस मैम, यष्टि मधु घृत तो मुझे लगता है ये एक्चुअली जीवनी ब्रूहिणी सभी प्रकार के काम करता है। यष्टि मधु घृत के तो काफी सारे हैं, जैसे ये चक्षुष भी है, वृणारोपण का भी काम करेगा। तो जष्टमध घृत या यष्टिमध घृत हम लोग व्रण के ऊपर भी लगा देते हैं तो रिलीफ मिलता है अच्छे से, और जख्म भर कर आती है, दाह शांति होती है। मैं बताइए, आप बताइए डिटेल में, गौरी जी बताइए। हाँ नमस्ते। संधानीय गण के बारे में मैं एक अलग थोड़ा सा बात जरूर बताना चाहूंगी। जैसे कि अभी कहा कि कोई भी दो क्या बोल सकते हैं, कोई भी दो मॉलिक्यूल्स है या कोई भी दो पेशी का है, सो उनका संधान करने के लिए भी उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आ जाता है। एक केस आई थी जो हाई लीक था, उसमें प्रेग्नेंट फॉर से 8 months ऐसा, सो इसमें हाई लीक है, इन्फेक्शन कुछ नहीं हुआ है, सीआरपी नॉर्मल है। अगर ऐसी बात है तो उसमें अगर संधानीय गण यूज किया जाता है तो वो लीक जो है वो सील होने में भी मदद होती है, ऐसा मैंने काफी सारे पेशेंट्स में देखा है। सो उसमें इंड्यूस करने का जरूरत नहीं होता है, सो दैट प्रेगनेंसी पुल ऑन हो जाती है, 9th month लगता है तो पेशेंट डिलीवर हो सकती है। सो लाइक दैट हम ये जो अंदर की एमनियोटिक फ्लूइड की जो कला रहती है, जो मेम्ब्रेन्स बोलते हैं, उसका संधान करने के लिए भी ये संधानीय गण बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। और जैसे कि मॉलिक्यूलर संधान ये जो बोलता है, उसमें जो इवन इनफर्टिलिटी के केसेस रहते हैं, इनफर्टिलिटी के,
और ये इनफर्टिलिटी के कारण स्ट्रेस टेंशन बहुत ज्यादा जो कपल रहता है उसमें रहता है. सो मन अगर उनका संधानित नहीं है तो भी कंसीव करने में दिक्कतें आती है. सो हस्बैंड वाइफ का मन का संधान होना चाहिए. इसके लिए भी जो थोड़े से कॉरलिंग जो रहता है ना उसमें भी हमने यूज किया है, उसका भी परिणाम अच्छा देखने के लिए मिलता है. यस मैम, वेरी नाइस. ये तो एक अच्छा नया थॉट बिल्कुल आपने बताया, बहुत ही अच्छा लगा. ये भी बहुत जरूरी है संधान, तो इसके लिए मुझे लगता है कि यष्टि मधु बहुत अच्छा काम करता है. मेरा मतलब एक ऑब्जर्वेशन है, सभी द्रव्यों में मधुपर्णी यष्टि मधु धात्विकी का तो हम लोग संधान कल्पना जो है आयुर्वेद की जो संधान कल्पना से हम लोग आसवरिष्ट बढ़ाते हैं तो उसमें धात्विकी पुष्क तो जरूर डालते, उसके बिना तो कोई बनता ही नहीं आसवरिष्ट, है ना. यस अगला है दीपनीय मैम. सभी महाकषाय करना है कि आप बता दो कौन से करना है इंपॉर्टेंट वाले. एक एक जस्ट दो दो मिनट में रिव्यू करते, अच्छा समय को देखते हुए बोल रही है आप. बिल्कुल अच्छा, ठीक है ठीक है, ये इतना ले लीजिएगा. दीपनीय बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जो दीपनीय महाकषाय है इसमें मोस्टली सभी द्रव्य अवेलेबल है, लेकिन एक जो श्रृंगबेर है, श्रृंगबेर मतलब हम यूज करते हैं सौंठ का पाउडर यानी कि ड्राई जिंजर. बाकी दीपनीय महाकषाय में लघु उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष गुण होते हैं, इसलिए वह दीपन कार्य करते हैं, आम पाचन नहीं करती. हालांकि कुछ एक्सेप्शन बताए गए हैं जो दीपन और आम पाचन दोनों करते हैं. अब डेली लाइफ में हम यूज करते हैं त्रिकटू का टैबलेट या तो फिर चित्र कवलेह या तो पंचकोल आसव, ये सभी द्रव्य का दीपनीय महाकषाय में आते हैं. जी मैम. यस यस, दीपनीय तो मुझे लगता है दीपन पाचन सिद्धांत को हम लोग रोज डिस्कस करते हैं. दीपनीय द्रव्य एपेटाइजर, जैसे हमारे आयुर्वेद में जो भी कोई स्रोत की दृष्टि होती है, जो भी कोई व्याधि होता है, तो सबसे पहले तो हम लोग दीपन पाचन के साथ ही चलते हैं. तो दीपन और अग्निमान में ये सभी रोगों का एक मूल कारण हो जाता है. तो दीपन द्रव्य तो मुझे लगता है पीपली पीपल फूल या जो भी सारे मरीज अजमोदा चूर्ण अच्छे से काम करते, जहां पर भी कोई भी अग्निमान है. जैसे सभी स्त्री रोगों की बात करेंगे तो मुझे लगता है ऐसा भी नहीं है कि स्त्री रोगों में अग्निमान नहीं होता है. आप कोई भी योनि व्यापक के हेतु को देखिए, संप्राप्ति को देखिए, वहां पर भी आम बनता है, वहां पर भी अवरोध होता है, चाहे वो फाइब्रॉइड हो, चाहे कोई इनफर्टिलिटी हो, एंडोमेट्रियोसिस हो. इसको आयुर्वेद में देखेंगे तो बिल्कुल अग्निमानद्य और अग्निवर्धक द्रव्यों की जरूरत होती ही है. तो इसमें हम लोग सभी को दीपन करना ही चाहिए. यस, कोई और बोलना चाहे तो प्लीज. उषा जी कुछ बोलिए. यस, कोई और इसमें ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज करिएगा. गौरी मैम आप बताइए. और कोई नहीं मैडम, आपने अच्छा एक्सप्लेन किया. ठीक है, फिर आगे चलिए मितुषी. जी मैम, अगला है बल्य. बल्य यानी क्या, स्ट्रेंथनिंग देने का. तो उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है मधु शीत गुरु और स्निग्ध गुरु, और वह स्ट्रेंथ देता है मतलब कि ओज को बढ़ाने का काम बल्य करेगा. तो उसमें भी दो प्रकार बताए गए, जैसे कि जनरल बल्य यानी कि सातों धातुओं पे जो काम करेगा, जैसे कि शतावरी कल्प है, बलारिष्ट है, अश्वगंधा अरिष्ट है, वह सातों धातुओं पे कार्य करते हैं. और दूसरा जो प्रकार बताया गया है वो स्पेसिफिक ऑर्गन पर ही काम करते हैं, जैसे कि अर्जुन है वह हम वृद्ध के यूज करते हैं, ब्राह्मी ग्रुत है वह हम मेद ब्रेन में यूज करते हैं. अब जो बल्य में द्रव्य बताए गए हैं, जैसे कि ऋषभि है, वो अभी अवेलेबल ना होने के वजह से उसके बदले में हम कवच बीज यूज करते हैं. तीसरा जो अतिरसा है उसके बदले में शतावरी यूज किया जाता है, और पयस्या के बदले में विदारी कंद. जो बाकी के द्रव्य है जैसे कि स्थीरा या तो फिर रोहिणी, रोहिणी के बदले में कुटकी यूज कर सकते हैं या तो जटा मावसी. बला भी अवेलेबल है, अतिबला भी अवेलेबल होता है. जी मैम, आई थिंक बल्य के बारे में तो वैसे ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. जहां पर भी आपको लगता है कि बल बढ़ाना है, फिर वो धातु क्षय हो, फिर वो कोई भी स्थितियां हो, जैसे मैंने बताया पोस्ट कैंसर है, एचआईवी पेशेंट्स में है, या कोई भी धातु का बल बढ़ाना है, तो ये सारे द्रव्य बहुत अच्छे से काम करेंगे. और हमारे स्त्री रोगों में हम लोग स्टर्लिन पीसीओडी में धातु क्षयजन्य अवस्था, जहां पर भी वातज दृष्टि होती है, उस सभी में करेंगे. यहाँ पर एक
का जो क्वालिटी है उसको बढ़ाने के लिए, फॉलिकल साइज बढ़ाने के लिए, और लाइक लो एमएच है वहां पर भी हम लोग इसका बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, और जो भी लाइक कॉजेस है जिसमें हमें काम करना है, इनफर्टिलिटी के तो कई सारे रीजन होते हैं ना, इन सभी में हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। आई थिंक डॉक्टर रचना जी आप इस पे थोड़ा प्रकाश डालिएगा। डॉक्टर रचना, रेखा जी, क्योंकि ये सारे तो हमारे पेटेंट ही है, अश्वगंधा शतावरी तो हर जगह पे कहीं पर भी हम लोग यूज करते ही है, शुक्र धातु के रिलेटेड या कोई भी धातु के रिलेटेड काम करना होता है तो। बला तेल का तो आप मात्रा बस्ती और उत्तर बस्ती काफी यूज करते हैं, और बला सिद्ध क्षीर का भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, आप सभी इसका बहुत प्रयोग करते हैं मुझे पता है। बताइए थोड़ा सा क्लिनिकली। नमस्कार मैम। उषा जी बहुत आप बहुत दिनों के बाद दर्शन। नहीं, कल कल ही मेरा बेटा गया है, यूएस, अभी आज फ्री हुई मैम। ओके, बताइए बताइए आप। हाँ मैम, बहुत ही अच्छा आपने सब्जेक्ट चॉइस किया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और गौरी मैम नमस्कार, आपने भी बहुत अच्छे से बताया। नमस्ते 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 मैम। मैम बल्य जो है उसमें ज्यादातर जो भी ड्रग है प्रोटीन रिलेटेड ही रहता है इसमें, तो उसके कारण जो जितने भी हम जहाँ बल का नाश रहता है वहाँ हम लोग ये यूज करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। मैं एक थोड़ा सा ही मेरे पेशेंट का ही मैं बता रही हूँ कि 62 ईयर ओल्ड पेशेंट थी, बिल्कुल नहीं चल पा रही थी, उसमें मैंने ये यूज किया मैम, उसका भी ग्लो वगैरह भी इतना अच्छा हो रहा है, चल भी सकती है, इतनी इसमें ताकत है कि जैसे मांस एंड रक्त धातु और ग्रहणी की धारा जो शक्ति रहती है वो बढ़ाता है इसके अंदर, और अस्थि धातु को बल देता है, तो इसमें बहुत ही अच्छा वर्क करता है मैम। और बाकी का तो मीतू सिंह आपने बताया, बहुत ही अच्छा है मैम, थैंक यू मैम। बला मुझे लगता है बल्यगन तो हम लोग सभी बहुत यूज करते हैं ना, बहुत अच्छे से बला तेल जहाँ हाँ क्षय रहता है, धातु क्षय रहता है उसमें भी बहुत अच्छा वर्क करता है मैम। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए फिर आगे चलते हैं, थोड़ा और कुछ नया गन मिल जाता है तो उसके ऊपर हम लोग और ज्यादा डिस्कस करेंगे। चलिए मितुषी मैडम, इसमें एक मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी कि हाँ चलेगा ना समय अगर विशेषा जीवित प्राण उदानो बलम उच्चते ऐसे कहा गया है, राइट। सो उदान और बल इसका एक दूसरे का संबंध बहुत ज्यादा है। सो जो पेशेंट्स बहुत ज्यादा लेक्चर्स देते हैं, सो बोलने के कारण जिनको थकान आती है, या फिर जो ब्राह्मण वगैरह रहते हैं कि जो बहुत सारी रुचाए वगैरह बोलते हैं, या फिर जो गायक रहते हैं कि उनके आवाज में दम होना चाहिए, ऐसे जो रहते हैं ना पेशेंट्स, उनके लिए इसका मैंने प्रयोग किया है, उसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। सो उदान की जो गति बताई है उसमें नासा नाभि गलांश्चरित ऐसे कहा गया है। सो जैसे कि आपने कहा कि बला तेल वगैरह उसमें बहुत सारे हम यूज करते हैं, सो बला तेल अगर नाभि पूरण के लिए दिया जाता है तो आवाज का जो औदार्य रहता है ना तो वो बढ़ जाता है, ऐसा देखने के लिए मिला है। और उसका जो गति और उच्चारण वगैरह रहता है, आवाज बुलंद होना, ये बात उससे हो जाती है, ऐसा देखा है। यस मैम बिल्कुल, वेरी करेक्ट, उदानो बलम उच्चते इसके ऊपर तो हम लोग एक घंटा बहुत बोल सकते हैं, बिल्कुल सभी प्रयत्न ऊंचा बल सारा तो बिल्कुल। और मुझे लगता है केवल उदान नहीं बट सभी के बल के लिए भी जरूरी है, और बिल्कुल संधारणीय गण ये सभी एक्चुअली एक दूसरे के साथ जुड़े हैं सारे गण, इसमें से एक एक अच्छा ड्रग हम लोग उठा लेंगे ना तो और ज्यादा काम अच्छा होगा, जैसे संधारणीय गण का एक आधा और बल्य का और गृहणीय का वगैरह, ठीक है, राइट राइट। चलिए फिर आगे बढ़े जी मैम। आगे है वर्ण्य गण। वर्ण्य गण का हमने बहुत अच्छा सुश्रुत संहिता पढ़ते टाइम भी हमने डिस्कस किया था, ये जो भी द्रव्य बताया है वर्ण्य गण में मोस्टली अवेलेबल है, लेकिन जो तुंगा है उसके बदले में हम केशर या तो फिर नाग केशर का यूज कर सकते हैं, बाकी सभी द्रव्य जैसे कि सारीवा है उसके बदले में अनंत मूल का यूज किया जाता है, और ये जो बताया सीता और लता यानी कि सफेद दुर्वा और कृष्ण दुर्वा उसका उपयोग किया जाता है। अब वर्ण्य गण बताते समय चरक आचार्य ने उसे तीन चीजों के तीन बताया है, जैसे कि एक गण होता है वो भ्राजक पित्त को स्टिम्युलेट करके स्किन का क्लेंजिंग करता है,
अपने उष्ण वीर्य गुण से, जैसे कि मंजिष्ठा है, हरिद्र है, अगरु है, वो भ्राजक पित्त को बढ़ाकर धातुओं पर शुद्धि करके वर्ण्य कर कार्य करते हैं। दूसरा बताया चरक आचार्य ने, जो क्रेद का उत्पन्न करके अपने शीत गुण से पित्त को कम करता है और तिक्त कषाय रसात्मक होने के वजह से इम्प्रूव कॉम्प्लेक्शन जो होता है स्किन का इम्प्रूव करता है, जैसे कि चंदन है, प्रियंगु है, यह सब पित्त को कम करते हैं। तीसरा बताया है, जो मधुर और शीत गुण के वजह से सभी धातुओं को नरिश करते हैं, जैसे कि दूध है, बटर है, या तो घृत है, वो सातों धातुओं पे कार्य करते हैं। ऐसे चरक आचार्य ने तीन प्रकार बताए वर्ण्य गण। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक मितुषी की इसमें सारे द्रव्यों का अपना अपना एक कार्यकरण भी होता है, सभी अलग अलग रूप से काम करते हैं। जैसे उशीर देखिए, ये स्वेदह स्रोतस पे काम करेगा, क्लेद पे काम करेगा, मधुख ये पोषण का काम करेगा, चंदन ये भी शीत गुण वाला है, चंदन वर्ण्य है, मंजिष्ठा रक्त का प्रसादन करेगा, सारिवा रक्त के जो भी दूषित घटक है उसको निकालने का काम करेगा। तो हर एक की संप्राप्ति या हर एक का कार्यक्षमता अलग अलग है, बट ये हमारे इंटरेस्ट का टॉपिक है। जैसे कि सारे केसेस कहीं ना कहीं पिंपल्स या स्किन वैवर्ण्यता को लेकर होते हैं, तो ये तो एक अलग सब्जेक्ट हो जाएगा, बट वर्ण्य द्रव्यों का हम लोग लेप, चूर्ण, मलम, ऑइंटमेंट के रूप में इसका प्रयोग करते हैं बेस के रूप में, तो ये काफी सारा अच्छा ही टॉपिक होगा, या इसका प्रयोग हम लोग कहीं पर भी कर सकते हैं। जैसे कि मुझे लगता है हम लोग स्त्री रोगों की बात करेंगे तो जो भी सारा मेलाज्मा है या जो एक प्रकार का पिगमेंटेशन होता है, प्रीपिगमेंटेशन ड्यूरिंग मेनोपॉज और प्रेगनेंसी के भी स्कार्स रहते हैं ना, उसमें भी हम लोग इस वर्ण्य गण का प्रयोग अच्छे से कर सकते हैं। इसमें जैसे आपने बताया तो इसका भी है, सीता का भी है महत्व, और ये लगाना, बटर और मक्खन लगाना, ये भी स्किन की नरिशमेंट के लिए अच्छा होता है। जहां पे वातच रुक्षता है वहां पर बहुत ज्यादा काम करेगा अच्छे से, तो इसमें भी हम लोग तीन दोषों के हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हैं। यस मैम, आपका कुछ अनुभव गोवी जी? नहीं, आपने अच्छी तरह से बताया मैडम, नॉट एडिशनल कुछ नहीं है ये तो। हाँ, ये रूटीनली आप सभी यूज करते हैं ना, हम लोग सभी यूज करते हैं। हाँ, फेस पैक के सब द्रव्य है उसमें बेसिकली। यस यस बिल्कुल यस, आगे बढ़िए फिर मुकेश। आगे है कंठ। कंठ उसमें जो द्रव्य है जैसे कि क्राइटेरिया, इसके बदले में हम कायफल यूज करते हैं, बृहति में अवेलेबल है, कंठकारिका भी अवेलेबल है, जो लेकिन जो सारिवा द्रव्य है उसके बदले अनंत मूल का यूज किया जाता है, और द्राक्षा, पिपली, मधु, बाकी सभी द्रव्य अवेलेबल है मोस्टली, और हम डेली लाइफ में ये यूज करते ही है। वह उसका कैरेक्टरिस्टिक एक ही है कि कटु तिक्त रसात्मक होने के वजह से वह कफ हर काम करता है, क्लेद को एब्जॉर्ब करता है धातुओं से, और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रोसेस भी करता है, जैसे कि एक्चुअली मुझे लगता है ना मितुषी, इसमें कंठ्य द्रव्य जो भी है सारे, सारिवा है, दारी है, या फिर पुरवती है, ब्राह्मी है, कंटकारी है, तो ये तो ठीक है, स्वरभेद या जो भी श्वास या प्राणवह स्त्रोतस की व्याधि है इसमें तो काम करेंगे ही करेंगे, बट इसका प्रयोग हम लोग कई धातु का बल और लाइक प्राण उदान का बल बढ़ाने के लिए भी करेंगे, या जैसे कि रस धातु का बल बढ़ाने के लिए भी इसका काफी अच्छे से प्रयोग होता है। और जैसे कि कंठ्य, अगर शब्द का निर्माण देखेंगे तो लाइक शब्द का निर्माण जैसे मैडम ने भी अभी बताया था इसके ऊपर कि ये एक प्रकार से पूरा स्थान तक आता है, नाभि इसका मुख्य स्थान बताया, तो नाभि पूरण के रूप में जैसे अभी आपने भी बताया था मैम, तो मुझे लगता है कंठ्य गण इसी प्रकार से हम लोग प्रयोग करेंगे, और ये सारे द्रव्य इसका हम लोग गंडूष और कवल के रूप में भी अच्छा प्रयोग कर सकते हैं, ये भी एक अलग से प्रयोग करेंगे तो काफी सारा रिजल्ट हमें मिल जाता है कंठ्य गण का। और जो बच्चे देरी से बोलते हैं इनमें भी हम लोग कंठ्य गण का प्रयोग कर सकते हैं, और जो स्वर को सुधारना चाहते हैं जैसे कि वात प्रकृति में ज्यादा से स्वर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, उनमें एक्चुअली नॉर्मली भी स्वर अच्छा नहीं होता है, ज्यादा खास नहीं होता है, तो उनमें भी हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। यस मैम, ये जो द्रव्य है ना इसमें जो क्या बोल सकते हैं जो वोकल कॉर्ड रहता है उसकी,
मुकुल कौर के ऊपर नूडल्स वगैरह आते हैं ना, तो उसके लिए इसका इस क्वाथ से अगर गंडोश किया जाता है तो उसका परिणाम अच्छा देखने के लिए मिलता है। इवन मुझे सुअर लगता के है ना लिए हार्मोनल इम्बैलेंस में भी हम लोग यूज करेंगे क्या, पिट्यूटरी या फिर ऐसे सारे जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं ना थायराइड के लिए वगैरह, हाँ उसमें भी राइट राइट हॉर्सनेस ऑफ वॉइस वगैरह जो भी रहता है ना, तो ऐसे केसेस में भी यूज किया जाता है। राइट, या प्यूबर्टी केस में भी लाइक वॉइस चेंज होता है तो वहां पर भी हम लोग कुछ सजेस्ट कर सकते हैं ना, क्योंकि ये बच्चों की शिकायत रहती है वॉइस बहुत बदल गया बच्चों में, खास करके लड़कों में, खास करके वॉइस को लेकर बड़ा ही बदलाव नजर आता है, तो इसमें शायद इसका अच्छा। यस नहीं परफेक्ट, यस मितुषी नेक्स्ट ले लीजिएगा मैम, को होस्ट बनाइए। हाँ हाँ एक मिनट, अच्छा कौन सा गण है तब तक बताइए। हाँ मैम, नेक्स्ट है रुद्रगण। रुद्रगण भी हम डेली लाइफ में यूज करते हैं मोस्टली, जैसे कि अर्जुन है ये भी हम यूज करते हैं। एक मिनट मैम, स्क्रीन दिख रहा है? यस यस, आगे आगे का करिए कंटे। हाँ ठीक है, रुद्र जी मैम, रुद्रगण तो जैसे कि आम्र है, आम्रतक है, लकुच है। ये लकुच का मतलब यहाँ पे शूद्र फर्नस बताया है एज अ सब्स्टिट्यूट। वृक्षमाला है, इसके बदले हम कोकम या तो चिंचा जो बोलते हैं इमली वो यूज कर सकते हैं। अम्लवेतस भी अवेलेबल है, बदर यानी कि बोर और दाढ़ी, ये सब अवेलेबल ड्रग्स है। रुद्र यानी कि क्या है, मोस्टली हृदय पे कार्य करता है, लेकिन इसमें टीका में बताया गया है कि रुद्रगण ज्यादा बेनिफिशियल है माइंड के लिए, ब्रेन के लिए, जो रक्त धातु अग्नि को भी बढ़ाती है और वह माइंड के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। वह हार्ट के आर्टरीज और वेन को रक्त धातु नरिश करता है, इसीलिए करते हैं, वह भी रुद्र है। और गुरु शीत स्निग्ध गुण के वजह से रुद्र कार्य अच्छे से होता है और सातों धातुओं पे कार्य करते हैं। जी मैम, रक्त अम्ली शिशिर वृद्धि, बिल्कुल रक्त क्षय में अम्ल पदार्थ खाने की इच्छा होती है। और मुझे लगता है कि ये हमारा मतलब महिला वर्ग का एक बड़ा प्रिय विषय होता है कि जो भी खट्टी चीज देखते हैं, कोई भी रॉ मैंगो है या इमली है, अनार है या कोई भी है, तो हम लोगों को खाने का मन ज्यादा होता है। और एक ऑब्जर्वेशन मेरा ये है कि महिलाओं को खट्टा स्वाद बहुत ज्यादा पसंद आता है, और जैसे कि गर्भिणी या दौरुद की अवस्था में भी है। और जैसे आपने तो बता दिया कि बिल्कुल हृदय का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाकर ये रुद्र माना गया, तो इसलिए बेर या जैसे खट्टे फल जो है ये हृदय की क्रिया को बढ़ावा देते हैं या फिर हृदय की क्रिया को स्टिमुलेट करने का काम करते हैं, जो कि मुझे लगता है कुछ जो सारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स है उसके साथ भी ये काम करता होगा, और हमारे नर्वस सिस्टम और हार्मोन यानी एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर और फिर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के साथ मिलकर ये काम करते हैं। यस मैम, बट अति आम्ल रस का भी सेवन नहीं करना है, जैसे इसके साथ खालित्य पालित्य या काफी सारे, बट आम्ल रस ये मन का परिणाम भी करता है, इसलिए हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में आम्ल रस होना बहुत जरूरी है, जो कि कार्बिनेटिव डाइजेस्टिव अपेटाइजर के रूप में भी है, जिसलिए हमारे अचार और जो नींबू हम लोग खाने में लेते हैं ना उसका भी इफेक्ट महत्व होता है। यस मैम, और कोई बताना चाहे तो प्लीज, रेखा जी, डॉक्टर रेखा खन्ना जी बताइए मैम, सभी लोग बोलिए थोड़ा थोड़ा। डॉक्टर विकास सर आप भी बोलिए। डॉक्टर अलका जी मैम, और एक चीज इसमें बताया है, जैसे कि हेम गर्भ पोटली रसायन है या तो कस्तूरी है जो आयुर्वेद में इमरजेंसी ड्रग माने जाते हैं, उसे भी रुद्रगण में शामिल किया है, तुरंत कार्डियोजेनिक शॉक को वो कंट्रोल करता है, ये टीका में बताया गया है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ओके ओके, चलिए नेक्स्ट ले लीजिएगा। मुझे लगता है ना, हम लोग ना नेक्स्ट वाला ले लेंगे क्या, अगला वाला जो है
कषाय वर्ग का ले लीजिएगा, फिर हम लोग आज रुकेंगे। जैसे ये रिलेटेड है हमसे, स्तन्य जनन स्तन्य शोधन वाला ले लेंगे तो ठीक रहेगा, चलेगा? कौन सा लूं मैम? स्तन्य जनन स्तन्य शोधन ये वाला जो है ना, ये हमसे रिलेटेड है तो शायद सभी को रिलेट हो जाए। स्तन्य जनन दे स्तन्य जनन, अभी जो स्तन्य जनन है उसका अर्थ ये है कि गैलेक्टोगोग कार्य करता है, अगर हम एलोपैथी की दृष्टि से देखें तो मधुर रस और विपाक भी मधुर होने के वजह से अग्नि को स्टिम्युलेट करेगा और स्तन्य को इंक्रीज करेगा, क्योंकि स्तन्य जो है वो रस धातु का उपधातु है, इसीलिए स्तन्य कार्य करेगा। तो जो तृण पंचमूल है वह स्तन्य बेस्ट स्तन्य द्रव्य माना गया है। दूसरा जो है मधुर रस और मधुर विपाल पानी है, और वो भी जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, ये भी स्तन्य कार्य करेंगे। तीसरा है मेथी शतपुष्पा पिपली, उष्ण वीर्य के कारण जो लैक्टिलस रहता है ब्रेस्ट में उसे डायलेट करेंगे और मिल्क सिक्रेशन को स्टिम्युलेट करेंगे, और दर्शन स्पर्शन आदि के कारण भी मिल्क को स्टिम्युलेट करते हैं, तो वो भी हम स्तन्य जनन में मान सकते हैं। जी मैम बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है अभी तो 1 से 7 अगस्त हम स्तनपान सप्ताह यानी ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं। स्तन्य जनन तो बिल्कुल मानुष सर्वश्रेष्ठ है, यानी बच्चे का पोषण करने के लिए मानुष पर यानी मदर्स मिल्क इज वेरी मच नेसेसरी बेनिफिशियल, सारा जो भी ग्रोथ फैक्टर है इन सभी के लिए। और ये मुझे लगता है रसव स्त्रोत के ऊपर काम करते हैं, और ये कहीं ना कहीं जाकर ग्रोथ हार्मोन को भी स्टिम्युलेट करेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड को भी स्टिम्युलेट करेंगे, ये प्रोलैक्टिन को भी या सारे हार्मोन को स्टिम्युलेट करने की क्षमता इनमें है, इसीलिए हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। यस मैम, गौरी आप बताइए मैम इसमें कुछ अलग से। गौरी जी, डॉक्टर गौरी जी, स्तन्य जनन में कुछ अलग से बताना हो तो प्लीज। और कोई बताना चाहे तो प्लीज। रचना जी, डॉक्टर रचना बताइए मैम। यस प्लीज, और कोई तो ऐड करिए इसमें। ओके मैम, इसमें जो मोस्टली जो द्रव्य है ना वो अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो दुर्वा है जो हम गणेश जी को वगैरह अर्पित करते हैं, इसका उसने सब्स्टिट्यूट बताया गया कि हम दुर्वा को यूज कर सकते हैं, तो आप शायद उसके बारे में अच्छे से बता पाए। शीर है, दुर्वा है, शीत गुण वाली है ना, इसीलिए दुर्वा का तो हम लोग स्तंभन के रूप में प्रयोग करते हैं। दुर्वा अलग से यूज की जाती है, मस्ती वगैरह के रूप में हम लोग इसको देते हैं, जब रक्त पित्त की संप्राप्ति या अधिक उद्वक रक्त पित्त हो जाता है तो दुर्वा सरस करना से काफी अच्छा लाभदायी बन जाता है। तो मुझे लगता है इसके साथ भी यही कनेक्शन होगा, रसव स्त्रोत पे काम करके ये सारे द्रव्य काम करते, कुछ इसमें मिलते नहीं ये तो जरूर बात है, बट हालांकि स्तन्य जनन द्रव्य में शतावरी वगैरह का उल्लेख नहीं है, बट फिर भी शतावरी रस धातु के ऊपर काम करके रस धातु का जो उपधातु इस प्रकार से वो स्तन्य को बढ़ाती है। नेक्स्ट ले लीजिएगा। यस मितु जी। जी मैम। स्तन्य शोधन, स्तन्य शोधन यानी कि लैक्टो प्यूरिफायर, जो कि लैक्टिफेरस ग्लैंड का प्यूरिफिकेशन करेगा। अब जैसे कि वात बड़ा होगा, वात स्तन्य में हम दशमूल का यूज करेंगे जो कि वात को शमन करेगा। अगर पित्त दुष्टि होगी स्तन्य में तो हम तिक्त रस और शीत वीर्य का उपयोग करेंगे, जैसे कि गुड़ुची है, मैम ने जैसे शतावरी बताया, चंदन सारीवा आदि का उपयोग करेंगे। यदि कफ दुष्टि स्तन्य होगा तो मेथी है, शुंठी है, शतपुष्पा है, ये सब कफग्न द्रव्य है, क्लेदग्न द्रव्य है, इसीलिए उससे स्त्रोत की शुद्धि होगी। अब उसमें जो द्रव्य बताया पाठा है, महा औषध है, जो महा औषध मतलब सुंठ का उपयोग करते हैं, सुरा दारू मतलब देव दारू, मुस्ता के बदले हम नागर मोथा का उपयोग करेंगे, गुड़ुची भी उपयोग है,
वत्सक फल है, वत्सक फल हम उसके बदले इंद्रयव का उपयोग कर सकते हैं। बाकी जो कटु रोहिणी है मतलब कुटकी का उपयोग करेंगे, और सारीवा नहीं मिलता इसके बदले हम अनंत मूल का उपयोग कर सकते हैं, या तो सारीवा आसव है ये सब उपयोग कर सकते हैं। बेसिकली उसका अर्थ है कि लैक्टिफेरस ग्लैंड का शुद्धि करना। जी मैम, जहां पर भी हमें स्तन्य दृष्टि जन्य कुछ जो 8 प्रकार की स्तन्य दृष्टि बताई गई है ना, तो उसमें हम लोग इसको इसको यूज कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये बेस्ट ही द्रव्य है सारे स्तन्य शोधन के लिए, क्योंकि कई बार ऐसे स्तन्य में कुछ पल्स वगैरह आता है या कुछ अलग सा कलर अगर मिल जाता है, और फिर जहां पर भी जैसे देखिए जहां पर भी बच्चे का पोषण ठीक से नहीं होता है, बच्चा रोता है, उसका वेट गेन नहीं होता है, तो वहां पर भी हम लोग स्तन्य का शोधन करा सकते हैं, और इन सभी द्रव्यों का काढ़ा पिलाकर अच्छे से काम होता है इन सभी द्रव्यों का। यस, और इसीलिए जैसे मेथी आपने बताया तो मेथी के लड्डू खिलाना महाराष्ट्र में काफी इसका प्रयोग किया जाता है, जो गर्भिणी सूतिका के लिए जो लड्डू बनते इसमें मेथी जरूर रहती, क्योंकि मेथी कटु पौष्टिक के रूप में है, और मेथी का एक अलग उपयोग भी है जो गर्भाशय का शोधन करेगी और स्तन्य का पोषण भी करती है। नेक्स्ट ले लीजिएगा, दोनों एक साथ बता दीजिएगा, शुक्र जनन और शुक्र शोधन, फिर हम लोग यहाँ पे आज के लिए रुकेंगे। ठीक है जी मैम, शुक्र जनन, शुक्र जनन यानी कि स्पर्मेटोगोग, स्पर्मेटोगोग यानी कि जो द्रव्य रहते हैं, जो मधुर रस है, मधुर विपाक है, शीत वीर्य है, उसे शुक्र को नरिशमेंट मिलेगा, जैसे कि दूध है, घी है, शतावरी है, यह उपयोग किया जाता है। जैसे कि हम बोलते हैं शुक्रम शुक्रेण वर्धयते, तो यानी कि अंडा भी खाने से शुक्र धातु का वर्धन होगा। शुक्र जनन और शुक्र प्रवर्तन, यह दो कार्य दूध करेगा या आमल की कार्य करता है, दोनों शुक्र जनन और शुक्र प्रवर्तन। और तुरंत शुक्र का प्रवर्तन जो मान किया जाता है उसे बोलते हैं सद्य शुक्रम पयाह। अब जो बाकी दूसरा है शुक्र शोधन, शुक्र शोधन यानी कि प्यूरिफिकेशन करना, सीमन का प्यूरिफिकेशन करना। अभी उसमें जो गुण बताया है लघु उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष गुण, उससे कफग्न क्लेदग्न कार्य होके स्त्रोतस की शुद्धि होगी, जैसे कि पाषाण भेद है, कटफल है, कुष्ठ है, पिपली है, यह शुक्र शोधन कार्य करेंगे। यदि पित्तज दुष्टि होगी शुक्र में तो गुड़ुचि गोक्षुर तृण पंचमूल, यह तिक्त रस के कारण पित्त को शमन करेंगे। और जो कषाय रसात्मक और शीत वीर्य द्रव्य है जैसे कि अर्जुन खदीर, वह रक्त और पित्त का प्यूरिफिकेशन करके भी शुक्र का शोधन करेंगे। जी मैम, यस यस बिल्कुल। तो आई थिंक जैसे आपने बताया शुक्र जनन शुक्र शोधन, तो जनन जहां पर भी शुक्र धातु को बढ़ाना है क्वालिटेटिवली क्वांटिटेटिवली वहां पर हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, और जो सारे मॉर्फोलॉजिकल डिसीजेस होते हैं वहां पर हम लोग शोधन द्रव्यों का प्रयोग करेंगे। तो केवल शुक्र की मात्रा बढ़ाने के लिए ये सारे द्रव्य तो बहुत अच्छे से काम करते हैं, काफी सारे कल्पों में इसका प्रयोग है, बट जहां पर भी कुछ लाइक मोटिलिटी कम है या हेड डिफॉर्मिटीज है, तो कुछ कंस्यूम नहीं हो पा रहा, इनफर्टिलिटी है, तो इसमें हम लोग शुक्र शोधन द्रव्यों का प्रयोग करके शोधन चिकित्सा करेंगे पहले, और फिर जनन द्रव्यों का प्रयोग करेंगे, तो मेरे हिसाब से अच्छा शुक्र धातु की क्वालिटीज क्वांटिटी बढ़ाने के लिए अच्छा प्रयोग उपयोग होगा। तो मुझे लगता है आप स्टॉप शेयर करिएगा मितुषी, और आज के इस सत्र में हमने जितना हो सके जैसे टाइम हिसाब से देखे जाए तो इस हिसाब से हमने इसको यहाँ पर आज आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो एक रिविजन हो गया हमारा महाकषाय गण के साथ, और इसका प्रयोग आगे से हम लोग अच्छे से कर भी पाएंगे। तो आप सभी का भी आभार यहाँ पर मैं व्यक्त करती हूँ हमारे इस सत्र में जुड़ने के लिए। नमस्कार मैम। यस यस, नमस्कार रेखा जी, बताइए। मैम हमें रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आज, क्योंकि हमने लेट ज्वाइन किया था तो बहुत सारी चीजें एक्चुअली ना। यस 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 बिल्कुल, थोड़ा सा अभी समय की समस्या हो गई, नहीं तो मुझे लगा था, बट बिल्कुल ये क्योंकि डिस्कशन थोड़ा होता है ना, लाइक सभी लोग थोड़ा सा कुछ बोले तो ही उपयोग है, केवल पढ़कर और बताना तो कुछ नहीं, क्योंकि केवल वो तो आप भी पढ़ सकते हैं घर पे, बट वही उद्देश्य था कि थोड़ा इसको इलैबोरेट करें। बिल्कुल मैम, ये यूट्यूब पर भी जाएगा, और आप तो सभी को भी शुभकामनाएं। हम लोग ऐसे बीच बीच में, इसलिए मैंने हफ्ते में एक दिन रखा है, और बहुत जैसे
गूगल कल्प का हमने रखा, इसीलिए मैंने रखा क्योंकि एक सेशन तो हफ्ते में होना चाहिए जो हमारे संहिताओं को लेकर या कोई क्लासिकल रेफरेंसेस को लेकर रिवीजन होता है। जैसे हमने गूगल के दो सेशन लिए, अभी हम लोग ऐसे ही पढ़ते रहेंगे बीच बीच में कुछ संहिताओं का भी, और फिर केस डिस्कशन तो हमारे ग्रुप पर भी चलता है और रोज भी चलता है। हाँ जी मैम, थैंक यू। और दूसरा मैम, मैंने ना अभी प्रकृति वाला आपका शुरू किया क्योंकि मैंने उस दिन कहा था कि मुझे प्रकृति नहीं, तो आज मतलब उसको सुन, आज ही एक्चुअली आपके लेक्चर से पहले मैं वही कर रही थी, सुन रही थी पूरा प्रकृति का सेकंड, तो मतलब उसको मैम प्रकृति के आपके पूरे लेक्चर सुन रही थी प्रकृति के ऊपर जो आपने लेक्चर किए हुए, तो उसमें मतलब मुझे उसको सुनने के बाद ही मतलब आ रही थी कॉन्फिडेंटली मैं ये बोल पा रही हूँ कि हाँ हस्बैंड की बात कपच प्रकृति है। सबसे पहला अटैक घर पर है फिर बाहर जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा है ना, उनको भी अच्छा लगा होगा कुछ आपने उनको अलग से बता दिया तो। हाँ जी। अच्छा मैम एक और चीज पूछे, आपने कहा था ना एरंड तेल देना है इनको, 3 दिन तो मैंने अविकृति का चून दे दिया, अब एरंड तेल शुरू करना है अनुलोमन के लिए, तो एरंड तेल सुबह एम्प्टी स्टमक ही देना है या रात को? एम्प्टी स्टमक एक्चुअली दो प्रकार से भी, बट आप क्लासिकली देखा जाए तो विरेचन सवेरे ही दिया जाता है ना, हम लोग लाइक घृतपान स्नेहन कराकर विरेचन अर्ली मॉर्निंग देते हैं, बट कई सारे लोग लाइक रात में भी दे देते हैं। अगर आपको कुछ लघु विरेचन या सौम्य विरेचन के रूप में करना चाहती तो आप कभी भी दे सकते हैं, रात में भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट आपने स्नेहपान करा कर देना है ना तो सवेरे देंगे तो लाइक अच्छा रहेगा पेशेंट के लिए भी, और सभी बातें मतलब ऑब्जर्वेशन वगैरह भी रहता है ना उसमें, वे को भी देख सकते हैं हम लोग, ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्लासिकल विरेचन तो सवेरे ही दिया जाता है, बट लाइक विरेचन के भी प्रकार है ना, अनुलोमन टाइप का या स्तनसन भेदन कुछ प्रकार है, तो उसमें हम लोग कभी रात में भी दे देते हैं। जी मैम, कोष्ठ शुद्धि के लिए देना है तो रात में भी दे देते हैं, और आपको कोई अगर आगे जाके ट्रीटमेंट भी करानी है तो फिर वो क्लासिकली सवेरे ही देना चाहिए, उसमें भी स्नेहपान कराकर देना चाहिए। कई सारे दे देते हैं, रात में भी दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आती। वैसे मैम उनकी मेन ट्रीटमेंट वो यूरिन रिटेंशन वाले जो आपको बताई थी ना, उसी का ही करना है मेन ट्रीटमेंट। अच्छा, इसमें आपने कहा था कि अभी स्टॉप कर दो इनको, पहले चंद्रप्रभा वटी और गोक्षर आदि गूगल दे रही थी तो वो अभी स्टॉप किया है, तो स्टॉप करके पेशेंट ठीक है अभी, पेशेंट ठीक। हाँ जी वैसे तो ठीक है, लेकिन वही है कि नाइट्स में डिस्टर्ब हो जाते हैं, यूरिन आउटपुट बहुत ज्यादा होता है, जैसे हर एक घंटे पे लगता है कि उनको मुझे यूरिन आ रहा है, इज नॉट डायबिटिक और लीन थिन तो है ही है, तो और पॉलिप्स की जैसे मैंने बताया था कि इनको पॉलिप्स की भी, नेजल पॉलिप्स की भी दिक्कत है, वो सारा ट्रीटमेंट करना है इनका पूरा। नसे कर रहे थे लेकिन आज का रेनी सीजन इतना ज्यादा हो गया तो नसे बीच में स्टॉप किया उनका। अच्छा हाँ, आपका वो केस था ना बिल्कुल। हाँ जी okay. थोड़ा कुछ रिलीफ मिला मैम उसको? हाँ जी मैम, पहले से रिलीफ है काफी। ठीक है, कंटिन्यू करिएगा और आप दे दीजिएगा फिर जो भी अभी चल रहा है ना वो कंटिन्यू करिएगा फिर, और फिर बताइएगा क्या इसमें क्या आगे का जो भी है। ठीक है ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, आप सभी का आभार, जो भी हमारे सारे दर्शक है फेसबुक के उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ, और आप भी हमारे इस परिचर्चा में जुड़ते रहिएगा। डॉक्टर गौरी जी का खास विशेष आभार, उनके आने से और अच्छा लगा, और सभी वैद्यों का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ, और फिर आज के लिए रुकते हैं। ओके थैंक यू मित्रशी, आपने अच्छा पीपीटी बनाया और अच्छा प्रेजेंटेशन किया, वेरी नाइस, थैंक यू।